हेलो दोस्तों आप सभी का आपके चैनल टारगेट गवर्नमेंट नौकरी में स्वागत है फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस चैनल पर विजिट किया आज का जो टॉपिक है आप लोगों के डिमांड पर ही ये टॉपिक मैं लेकर आया हूं आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं ट्रॉफी और उनमें विजेता दो के जो हैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाइए और वैसे भी ये ये ट्रॉफी और उनमें विजेता जो है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर ट्रॉफ़ी से या फिर विजेता ऐसा करके जरूर पूछता है हर एक एग्ज़ाम एक में तो आप इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए आपको यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जानने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए सबसे उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबा लीजिए तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो तो पहला क्वेश्चन जो पहला जो है कप वो एशिया कप ये एशिया कप जो है ये 2018 में जो है इसके विजेता इसका विजेता जो है भारत है ठीक है भारत विजेता और उप विजेता जो है वो बांग्लादेश है ये किस खेल से संबंध रखता है एशिया कप तो वो क्रिकेट 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 के लिए एशिया कप खेला जाता है ठीक है अब दू, दूसरा कब जो दूसरा क्वेश्चन जो है ये देखिए ये एशिया कप हॉकी है ठीक है एशिया कप हॉकी पुरुष के लिए ये 2018 17-18 में जो है इसके विजेता कौन रहा है भारत रहा है और उप विजेता जो है मलेशिया रहा है ठीक है ये किस खेल से संबंध रखता है तो ये हॉकी से रखता है ठीक है अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देवधर देवघर क्रिकेट ट्रॉफी ठीक है दो हजार इसके विजेता जो है विजेता इंडिया सी और उप विजेता जो है इंडिया बी है आप कन्फ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये जो 2017-18 में विजेता थे वो इंडिया बी ये इंडिया बी जो है ये विजेता थी 2017-18 में ठीक है और अभी जो 2018-19 में है 2018-19 में विजेता जो है इंडिया सी है इंडिया सी टीम जो है वो विजेता ठीक है और उप विजेता जो है इंडिया बी ये किस खेल से संबंध रखता है तो ये क्रिकेट खेल से संबंध रखता है ठीक है ये जो देवघर क्रिकेट ट्रॉफी है इससे आप खुद जान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं क्रिकेट दिया हो तो क्रिकेट दिया अर्थात ये क्रिकेट के लिए ये ट्रॉफी खेली जाती है ठीक है अब ये आयोजित कहाँ हुआ था तो ये आयोजित हुआ था दिल्ली में ठीक अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन ये रणजी ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी 2017 और 18 इसका विजेता जो है वो विदर्भ विदर्भ नागपुर रहा है और उप विजेता जो है वो दिल्ली है ठीक है खेल ये जो रणजी ट्रॉफी है ये किस खेल से संबंध रखता है तो ये क्रिकेट क्रिकेट के लिए ये ट्रॉफी खेली ये ट्रॉफी के लिए क्रिकेट खेला जाता है ठीक है अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पाँचवा नंबर क्वेश्चन संतोष ट्रॉफी 2017-18 इसका विजेता जो है वो केरल है ठीक है और जो उप भी था वो पश्चिम बंगाल खेल से संबंध किस खेल से संबंध है तो ये संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल के लिए खेला जाएगा खेला जाता है ठीक है इस पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा खेल से संबंध ये फुटबॉल खेल से संबंध रखता है ठीक है और ये किस स्टेडियम में खेला गया था अभी दो हज़ार ये साल्ट लेक स्टेडियम ये आयोजित कोलकाता वेस्ट बंगाल में कोलकाता वेस्ट बंगाल में ये साल्ट लेक स्टेडियम है वहाँ पर यह आयोजित हुआ था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये जो छठवां नंबर क्वेश्चन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी ठीक है 2017-18 इसके विजेता जो है वो ऑस्ट्रेलिया है ठीक है हॉकी चैंपियन दो 18 हजार ये विजेता ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता जो है वो भारत रहा यह हॉकी से संबंध इस हॉकी यहाँ पर लिखा हुआ है तो इससे आप खुद ही समझ सकते हैं कि यह हॉकी के लिए खेला जाता है ठीक अब ये सातवां नंबर क्वेश्चन जो है आप इसमें देख रहे हैं कि थामस कप बैडमिंटन पुरुष तो बैडमिंटन बैडमिंटन पुरुष ठीक है ये थॉमस कप बैडमिंटन जो है पुरुष 2017-18 का जो ट्रॉफी है वो उसके विजेता कौन है चीन है चीन और उप विजेता जो है जापान है ये किस खेल से रखता है संबंध तो बैडमिंटन आप इससे भी देख सकते हैं थॉमस कप बैडमिंटन ये पुरुष का है ठीक है तो ये बैडमिंटन से संबंध रखता है ठीक अब उसके बाद आठवां नंबर क्वेश्चन जो है इसमें देखिए ईरानी कप दो हज़ार तो इसका विजेता जो है विदर्भ नागपुर ठीक है और उप विजेता जो है बचे हुए बचे भारतीय टीम जो है वो उप विजेता में खेल किस खेल से संबंध रखता तो ये क्रिकेट ईरानी कप जो है वो याद रखिएगा क्रिकेट से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है आयोजित कहाँ हुआ था ये नागपुर दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा क्योंकि जो आपके दोस्त कंपटीशन के एग्ज़ाम तैयार की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा तो उनके साथ शेयर जरूर करिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उबेर कप बैडमिंटन महिला महिला के लिए जो है ये बैडमिंटन कप बैडमिंटन महिला ट्रॉफी जो है 2017-18 इसमें विजेता जो है जापान रहा ठीक और उप विजेता कौन है वो थाईलैंड है ये किस खेल से सामद रखता है उबेर कप बैडमिंटन महिला है दो हज़ार ये बैडमिंटन इसमें बैडमिंटन खेला जाता है इस कप ठीक है अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो ये सुल्तान अजलन शाह हाकी कप तो ये हाकी से तो आप ये चीज़ जान गए कि ये ये, ये हॉकी के लिए कब दिया जाता है ठीक है अब ये विजेता जो है इसके कौन थे ऑस्ट्रेलिया उप विजेता जो है इंग्लैंड किस खेल से संबंध है तो ये हॉकी ठीक अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ग्यारह नंबर विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी दो हजार अठारह ठीक है इसके विजेता जो है मुंबई था और उप विजेता जो है वो दिल्ली है ठीक अब ये किस खेल से संबंध तो ये क्रिकेट यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये क्रिकेट क्रिकेट के लिए इस ट्रॉफी को खेला जाता अब ये बारह नंबर जो अंडर नाइनटीन क्रिकेट विश्व कप दो हजार अठारह ठीक अब इसके विजेता कौन थे तो इसके विजेता जो है वो भारत ठीक और उप विजेता जो है वो ऑस्ट्रेलिया अब किस खेल से संबंध? तो ये क्रिकेट दिया ही हुआ है तो ये क्रिकेट में क्रिकेट के खेल में इस ट्रॉफी को दिया जाता है ठीक अब उसके बाद दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट तेरह नंबर क्वेश्चन जो है अंडर नाइनटीन एशिया अंडर नाइनटीन एशिया क्रिकेट कप ठीक है ये एशिया क्रिकेट कप है और इसके पहले जो था वो क्या था क्रिकेट विश्व कप था ठीक तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप ये क्रिकेट कप एशिया क्रिकेट कप है तो इसके विजेता कौन रहा है इसका विजेता भारत है और उप विजेता जो है श्रीलंका और किस खेल के लिए खेला जाता है तो ये आप देख ही सकते हैं क्रिकेट के लिए चौदह नंबर ये ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018। तो इसके विजेता कौन है कौन है भारत है और उप विजेता जो है पाकिस्तान ठीक है और ये किस खेल से किस खेल में ये ट्रॉफी दिया जाता है तो वो है क्रिकेट महिला एशिया क्रिकेट कप 2018 तो महिला एशिया क्रिकेट कप अभी इसके पहले एक और एशिया क्रिकेट कप था वो और ये महिला एशिया क्रिकेट कप है ठीक है इसके विजेता कौन है बांग्लादेश है और उप विजेता जो है भारत और इसका आयोजन कहाँ हुआ था मलेशिया में ठीक तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप ज़रूर ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोलह नंबर क्वेश्चन महिला टी ट्वेंटी विश्व कप दो हज़ार अठारह कौन जीता ठीक है महिला टी ट्वेंटी विश्व कप तो ये विश्व कप जो है कौन जीता था विजेता इसका कौन है ऑस्ट्रेलिया है उप विजेता जो है इंग्लैंड है और ये किस खेल से संबंध रखता है तो टी ट्वेंटी की बात आ रही है तो यहाँ आप सब समझ ही गए होंगे कि ये क्रिकेट से संबंध रखता है ठीक है तो ये महिला टी ट्वेंटी विश्व कप किस किसके लिए खेला जाता है क्रिकेट फीफा विश्व कप 2018 ठीक फीफा विश्व कप 2018 का जो कौन जीता था ये विजेता फ्रांस थी और उप विजेता जो है क्रोएशिया है और ये किस खेल से संबंध रखता तो ये फुटबॉल फीफा फीफा से फुट फीफा जो है वो फुटबॉल के लिए खेला जाता है ठीक है और आयोजित कहाँ आयोजन कहाँ हुआ है ये रूस में हुआ है रूस में खेला गया था ये फ़ीफा विश्व कप जो है IPL 2018, IPL 2018 जो है इसका विजेता कौन है ये चेन्नई सुपर किंग अभी तक सबसे ज़्यादा शायद सबसे ज़्यादा चेन्नई सुपर किंग ही जो है IPL की अवार्ड जीत चुकी है और इस साल 2018 जो है वो भी चेन्नई ही जीती है और उप विजेता जो है सनराइज़ हैदराबाद था। है. और खेल से संबंध कौन है क्रिकेट क्रिकेट खेल से ये संबंध क्या आई जो है आई ट्रॉफी किसके लिए क्रिकेट के लिए खेली जाती है ठीक है तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर लाइक के माध्यम से बता बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल का आइकन जो बना होगा उसको भी आप ज़रूर दबा दीजिए इससे नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों जय हिंद जय भारत